हेलो इस वीडियो में हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन ऑन ए सिंगल कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय अदर कंप्यूटर इन ए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्टैंड अलोन ऑप्शन बी नेटवर्क ऑप्शन सी मेन फ्रेम ऑप्शन डी नन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नेटवर्क इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क आर यूजफुल वैन कंप्यूटर आर तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए कनेक्टेड, ऑप्शन बी फिक्स्ड, ऑप्शन सी पोर्टेबल ऑप्शन डी नॉन मूवेबल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पोर्टेबल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेट्स डैश देन ए वायर्ड नेटवर्क तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए फास्टर ऑप्शन बी वेरी फास्ट ऑप्शन सी स्लोली ऑप्शन डी ऑल ऑफ दब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी स्लोली इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द नेटवर्क टाइपोलॉजी इज द डैश ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए फाइल ऑप्शन बी सर्वर ऑप्शन सी फोल्डर ऑप्शन डी स्ट्रक्चर और लेआउट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्ट्रक्चर और लेआउट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश इज टिपिकली टू और मोर लांस कोनेक्टेड टूगेदर एक्रॉस वाइड जियोग्राफिकल एरिया तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लैन ऑप्शन बी वैन ऑप्शन सी मैन ऑप्शन डी नेटवर्क तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वैन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन बस नेटवर्क द डाटा ट्रांसमिशन इज डैश तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए विड डायरेक्शनल ऑप्शन बी वन डायरेक्शनल ऑप्शन सी नो डायरेक्शन ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश एलिमिनेट्स डिस्टेंस कॉन्स्टेंट्स टू टेक ए प्रिंट आउट एट ए डिफरेंट लोकेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑप्शन बी सिग्नल ऑप्शन सी प्रिंट सर्विस ऑप्शन डी नो तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रिंट सर्विस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश आर टूल्स दैट अलाउ द यूजर टू फाइंड स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट थ्रो की और मेन्यू चॉइसेस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एच टी टी पी ऑप्शन बी यू आर एल ऑप्शन सी ई मेल्स ऑप्शन डी सर्च इंजन्स तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सर्च इंजन्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज़ यूज फॉर द नेट यूजर फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स अराउंड दी वर्ल्ड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एफ टी पी ऑप्शन बी टी सी पी ऑब्लिक आई पी ऑप्शन सी एफ टी पी ऑप्शन डी टी सी पी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एफ टी पी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश क्रिएट से डिजिटल सिग्नल्स एंड मॉड्यूल्स यूजिंग द मॉडम तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डी ई सी ऑप्शन बी डी टी ई ऑप्शन सी डी ई टी ऑप्शन डी डी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईच पेज ऑन दी इंटरनेट इज कार्ड ए यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए डब्ल्यू 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 ऑप्शन बी बैब ऑप्शन सी बेब पेज ऑप्शन डी होस्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वेब पेज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इंडिकेट्स दी लिंक टू दी अदर साइट तो यहाँ पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइपर मीडिया ऑप्शन बी हाइपर वेब ऑप्शन सी हाइपर लिंक ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हाइपर लिंक इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश एप्लीकेशंस आर वेल सूटेड टू कंट्रोल द डाटा स्टोरेज एक्टिविटीज ऑन डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी स्टैंड ऑप्शन सी नेटवर्क ऑप्शन डी आर दी अब तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेटवर्क इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बीच इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग चिप तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सीमी कंडक्टर्स ऑप्शन बी बस ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट ऑप्शन डी बी एंड सी ओनली तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सेमी कंडक्टर्स इसका सही आंसर है दी डिवाइस दैट एक्म्प्लिश मॉड्यूलशंस डी प्रोसेस इज कार्ड ए तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मोमेड ऑप्शन बी डी मोम ऑप्शन सी मोडम ऑप्शन डी मोम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मोडम है इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश आर अपकमिंग एरियाज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन बुकिंग फॉर ट्रेवल्स एंड एंटरटेनमेंट्स मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ऑनलाइन पेज ऑप्शन बी ऑनलाइन डेटा ऑप्शन सी ऑनलाइन नेट ऑप्शन डी ऑनलाइन सर्विसेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑनलाइन सर्विस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन डैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डेटा कैन गो एनी वन डायरेक्शन ओनली तो यहाँ पे चार ऑप्शन लिए गए हैं ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स मोड ऑप्शन बी सिंपल मोड ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स मोड ऑप्शन डी डुप्लेक्स मोड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स मोड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज ए मल्टी मीडिया पोर्शन ऑफ द इंटरनेट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए होस्ट ऑप्शन बी डब्ल्यू 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 ऑप्शन सी वेब पेज ऑप्शन डी डेटा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डब्ल्यू 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 इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश ट्रांसलेट एस डॉक्यूमेंट ऑफ वेबसाइट एंड अलाउ टू व्यू इट ऑन दी स्क्रीन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए वेब ऑप्शन बी वेब ब्राउजर ऑप्शन सी फर्स्ट पेज ऑप्शन डी होम पेज तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वेब ब्राउजर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज यूजली यूज टू एक्सचेंज मैसेज एंड डेटा फाइल्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑप्शन बी हाइपरलिंक ऑप्शन सी इंटरनेट ऑप्शन डी वेबसाइट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बी पी एस स्टैंड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बिट्स पर स्किंट ऑप्शन बी बाइट पर स्किंट ऑप्शन सी ब्यूर्ड पर स्किंट ऑप्शन डी बाइट पर स्किंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिट्स पर स्किंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश ए और एन सीक्रेट कोड दैट प्रिवेंट्स अदर यूजर फ्रॉम यूजिंग अवर अकाउंट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए इंटरनेट ऑप्शन बी नेटवर्क ऑप्शन सी पासवर्ड ऑप्शन डी यूजर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पासवर्ड इसका सही आंसर है के बाद अगला क्वेश्चन है द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए रिमोट टर्मिनल बास सेटअप अराउंड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए 1965 ऑप्शन बी 1966 ऑप्शन सी 1967 ऑप्शन डी 1968 तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1965 इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर कम्युनिकेशन शुड इंश्योर डेटा ट्रांसफर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए रिलायबल ऑप्शन बी स्क्योर ऑप्शन सी सेफ स्क्योर एंड रिलायबल ऑप्शन डी सेफ तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेफ सिक्योर एंड रिलायबल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन रिंग नेटवर्क देर इज नो सेंट्रल होस्ट तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी नोड और कंप्यूटर ऑप्शन सी कंप्यूटर ऑप्शन डी लैन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सर्वर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेन न्यूमेरियस क्लाइंट्स आर यूजिंग दी नेटवर्क प्रिंटर यूज इज यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिनिमाइज ऑप्शन बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्शन सी सेंट्रलाइज्ड ऑप्शन डी एवोटिड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑप्टीमाइज इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूजिंग मेल सर्विस वन कैन स्कैन ए लिस्ट ऑफ मैसेज दैट कैन बी सेंड टू एनी वन हैज़ द प्रॉपर यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ई मेल आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन बी एड्रेस ऑप्शन सी बॉक्स ऑप्शन डी सर्विस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ई मेल आइडेंटिफिकेशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश रेपडली मूव फाइल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस रिगार्डलेस ऑफ फाइल साइज डिस्टेंस एंड लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फाइल सर्विस ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफ़र ऑप्शन सी फाइल स्टोरेज ऑप्शन डी यू तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफ़र इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए नेटवर्क दैट स्पेंस ए जियोग्राफिकल एरिया कवरिंग ए मेट्रोपोलिटन सिटी इज कार्ड यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए प्लेन नेटवर्क ऑप्शन बी लैन ऑप्शन सी मैन ऑप्शन डी लोकल नेटवर्क तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन ए डैश नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशंस डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन कंटिन्यूस लूप तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हाइब्रिड, ऑप्शन बी बस ऑप्शन सी स्टार ऑप्शन डी रिंग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी रिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है सम वेबसाइट्स प्रोवाइड चैट रूम्स टू interact विद एन individual और ए ग्रुप इज कॉल्ड यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए यूजनेट ऑप्शन बी न्यूज ग्रुप ऑप्शन सी चैटिंग ऑप्शन डी ईमेल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी चैटिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है दी डैश साइट इंक्लूड्स टेक्स्ट एनिमेटेड ग्राफ वॉइस एंड अमेजिज यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मीडिया ऑप्शन बी टेलीनेट ऑप्शन सी इंटरनेट ऑप्शन डी मल्टीमीडिया तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मल्टीमीडिया इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज कार्ड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्किपिंग ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी होस्टिंग ऑप्शन डी सर्फिंग और ब्राउजिंग तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सर्फिंग और ब्राउजिंग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए मॉडम दैट हैज एक्स्ट्रा फंक्शंस सच एज ऑटोमेटिक आंसरिंग एंड डायलिंग इज कार्ड डैश मॉडर्म्स तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्पोस्टिकेटेड ऑप्शन बी हाई क्लास ऑप्शन सी डेडिकेटेड ऑप्शन डी इंटेलिजेंट तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इंटेलिजेंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश आर दी प्राइमरी सर्विसेज ऑफर्ड बाय द कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डेटा सर्विस ऑप्शन बी फाइल सर्विस ऑप्शन सी फोल्डर्स ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फाइल सर्विस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए कंप्यूटर शेयरिंग सॉफ्टवेयर पैकेज एंड हार्ड डिस्क इज कार्ड ए यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी नेटवर्क ऑप्शन सी फाइल सर्वर ऑप्शन डी स्टैंड अलोन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी फाइल सर्वर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश मीडिया इज दी पाथवे फॉर कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर विद अदर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए ट्रांसफेरेवर ऑप्शन बी ट्रांजैक्शन ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑप्शन डी ट्रांसमिशन तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ट्रांसमिशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन नेटवर्क यूजर कैन शेयर डैश एंड डैश तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए डेटा नेटवर्क ऑप्शन बी डेटा फैक्ट ऑप्शन सी डेटा प्रोग्राम्स ऑप्शन डी डेटा पी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेटा प्रोग्राम्स इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द डैश वटर्स रिवॉर्ड टू दी होम पेज ऑफ दी वेबसाइट यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बैक ऑप्शन बी होम ऑप्शन सी रिफ्रेश ऑप्शन डी फॉरवर्ड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी होम इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग साउंड और डेटा इनटू ए सिग्नल दैट कैन फ्लो थ्रू द टेलीफोन वायर इज कार्ड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन ऑप्शन बी कम्युनिकेशन ऑप्शन सी ट्रांसमिशन ऑप्शन डी डी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईच कंप्यूटर ऑन नेट इस्ड ए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए होम ऑप्शन बी होस्ट ऑप्शन सी हब ऑप्शन डी सर्वर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी होस्ट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेन डिसएडवांटेज ऑफ एफ डी डी आई इज इट्स डैश कोस्ट तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लो ऑप्शन बी रीजनेबल ऑप्शन सी हाई ऑप्शन डी रिलाएबल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हाई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनालॉग सिग्नल्स आर सम टाइम्स डैश टू रिप्रेजेंट वाइनी डाटा तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए यूनिकोडेड ऑप्शन बी फिर ऑप्शन सी मॉड्यूलेटेड और इनकोडेड ऑप्शन डी डी तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मॉड्यूलेटेड और इनकोडेड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर तो यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑप्शन बी कंपाइलर ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग ऑप्शन डी सिस्टम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एप्लीकेशन इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है The components दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन दी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए स्टोरेज कंपोनेंट ऑप्शन बी सिस्टम यूनिट ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइसेस ऑप्शन डी इनपुट डिवाइसेस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिस्टम यूनिट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिफोर यू कैन बींग यूजिंग ई मेल यू मस्ट हैव एन तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी स्कैनर ऑप्शन सी अकाउंट ऑप्शन डी ब्राउजर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अकाउंट इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन स्टार नेटवर्क फाइल सर्वर और होस्ट कंप्यूटर यूजली कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब बाय ए डैश केबल्स तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए लैन ऑप्शन बी मैन ऑप्शन सी वैन ऑप्शन डी यू तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यू इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश डेटा ट्रांसमिशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन ए कंटिन्यूस फॉर्म तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एनालॉग ऑप्शन बी एनी ऑप्शन सी डिजिटल ऑप्शन डी हाइब्रिड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एनालॉग इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश नेटवर्क इज कम्बिनेशन ऑफ स्टार रिंग एंड बस नेटवर्क टू नीड। तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हाइब्रिड ऑप्शन बी बस ऑप्शन सी एफ डी डी आई ऑप्शन डी आल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइब्रिड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कनेक्टेड नोड्स मेड टू शेयर डेटा हार्डवेयर एंड सॉफ्ट इज कार्ड ए कंप्यूटर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए पीसी ऑप्शन बी नोड ऑप्शन सी स्टैंड अलोन ऑप्शन डी नेटवर्क तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नेटवर्क इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द पैकेट्स टू ए डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए आईपी ऑप्शन बी टीसीपी सी आईपी ओब्लिक ऑप्शन सी टीसीपी ऑप्शन डी डेटा तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आई इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है द डैश एड्रेसिंग सिस्टम इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द मिलियंस ऑफ यूजर्स तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोग्राम ऑप्शन बी टी ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑप्शन डी इंटरनेट प्रोग्राम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन डैश डिवाइस सेमिली सेंड्स और रिसीव डेटा तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स मोड ऑप्शन बी डुप्लेक्स मोड ऑप्शन सी सिंप्लेक्स मोड ऑप्शन डी हाफ डुप्लेक्स मोड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डुप्लेक्स मोड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन ए डैश नेटवर्क ऑल कंप्यूटर्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइस आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए हब ऑप्शन बी स्टार ऑप्शन सी रिंग ऑप्शन डी हाइब्रिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टार इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश एन ऑब्लिक ए यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज एन ई मेल यूजर तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए नेटवर्क नेम ऑप्शन बी नोड नेम ऑप्शन सी यूजर नेम ऑप्शन डी होस्ट नेम तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यूजर नेम ही इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है डैश इम्प्रूवस दी एफिशंट स्टोरेज एंड ए रिड्रीबल ऑफ कंप्यूटर डेटा यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फाइल ऑप्शन बी फोल्डर ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन ऑप्शन डी फाइल सर्विस तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फाइल सर्विस इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईच कंप्यूटर इन नेटवर्क इज कार्ड ए यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सर्वर ऑप्शन बी सिस्टम ऑप्शन सी कंप्यूटर ऑप्शन डी नोड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नोड इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए नेटवर्क कनेक्टिंग सिस्टम्स एंड डिवाइज इन साइड ए सिंगल बिल्डिंग और बिल्डिंग क्लोज टू ईच अदर इज कार्ड डैश तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी वायरलेस एरिया नेटवर्क ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन डी नेटवर्क एरिया नेटवर्क तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज टू डैश रिसोर्सिस तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑप्शन बी सी ऑप्शन सी ब्राउज़ ऑप्शन डी शेयर तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी शेयर इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन डेटा कम्युनिकेशंस डैश इंश्योर्स डेटा रिसीव इज द सेम एज द डेटा सेंड तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए सिक्योर्ड ऑप्शन बी सिलेक्टेड ऑप्शन सी सेफ ऑप्शन डी रिलायबल तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सेफ इसका सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन डैश डेटा ट्रांसमिटेड इज ओनली वन डायरेक्शन तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए फुल डुप्लेक्स मोड ऑप्शन बी सिंप्लेक्स मोड ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स मोड ऑप्शन डी डुप्लेक्स मोड तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सिंप्लेक्स मॉल का सही आंसर है इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए डैश नेटवर्क इज हाई स्पीड नेटवर्क यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल तो यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए बस। ऑप्शन बी रिंग ऑप्शन सी हाइब्रिड। ऑप्शन डी एफ डी डी आई तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एफ डी डी आई इसका सही आंसर है तो इस वीडियो में हमने कंप्यूटर कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग एम के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल धन्यवाद